उदयपुरवाटी आज से कई सालों पहले फागुन के महीने में होली के एक माह पहले ही छोटे छोटे गांव व ढानियों में युवा व बुजुर्ग व्यक्ति चंग की थाप पर थिरकते नजर आते थे। इलाज भी वह पुरानी परंपरा गांव ढानियों व शहरों में जीवित है। जैसे जैसे होली का त्योहार नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे ही डाफ व चंग की बिक्री जोर पकड़ती जा रही है। उदयपुरवाटी से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चिराना गांव में वहां के कारीगरों द्वारा चंग तैयार किया जाता है। हमारे उदयपुरवाटी संवाददाता ने चिराना गांव में जाकर वहां के गोपाल रागा से जानकारी चाही तो उन्होंने बताया कि वह पिछले 15 सालों से होली के त्योहार पर चंग बनाते आ रहे हैं। चंग बनाने वाले कारीगर गोपाल रागा ने जानकारी देते हुए बताया कि शेखावाटी के अलावा देश विदेश में भी यहां के चंग बिकने के लिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि 450 रुपए से लेकर 2050 रुपए तक का चंग इस बार बिक रहा है। 60 साल की उम्र में भी गोपाल को चंग बनाने की कारीगरी में महारत हासिल आज भी बना हुआ है। उन्होंने बताया कि जो चंग का घेरा तैयार होता है वह आम की लकड़ियों से बनाया जाता है जो लोहार गलकिरोड़ी व शाकंभरी से खरीद के लाई जाती है। आम की लकड़ियों के घेरे पर भेड़ की खाल से चंग तैयार किया जाता है।